जेड नोमेनक्लेचर बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, ई जेड नोमेनक्लेचर। तो लिखना है यहां पर ई जेड नोमेनक्लेचर। तो कैसे कंसीडर करेंगे कि ई जेड नोमेनक्लेचर क्या होता है और फिर हम लोग कब यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उस आइसोमर में यूज होगा जहां पर ये चारों डिफरेंट हो, मींस ए बी सी और ये डी। मतलब यहां पर कोई ऐसा कंपैरिजन वाली चीजें नहीं हो कि जिससे हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर एटम सेम साइड में, सिमिलर एटम अपोजिट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो CH3CH डबल बॉन्ड C, मान लो कि यहां पर ब्रोमीन है और यहां पर NH2 है। तो यहां पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि किसी एक के कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मिथाइल मिथाइल एक साइड में है। तो अगर इस तरीके के कंपाउंड होते हैं तो यहां पर हम लोग सिस ट्रांस नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, ईजेड नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली ईजेड नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। ये जो है ना, इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं और किसी एक के हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक वन हो जाए और दूसरा टू हो जाए। सिमिलरली इधर वाले पार्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वन और टू, मतलब किसी एक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसी एक की प्रायोरिटी कम होगी। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर ई जेड का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, ई जेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है ई। ई का मतलब होता है एंटी जेड, और इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, दैट इज अपोजिट। तो अगर वन और वन मतलब इस साइड का फर्स्ट प्रायोरिटी और इस साइड का फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड में हो तो हम उसको क्या कह देंगे, ई कहेंगे। पहले इसको हम लोग ट्रांस कहते थे अगर सिस्टांस टाइप का रहता था। उसी तरीके से जेड की अगर हम बात करें तो जेड का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज, इसको हम कहते हैं जूसा में, और इसका मतलब होता है टुगेदर। इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर जो इधर की फर्स्ट प्रायोरिटी है और इधर की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दोनों क्या हो जाए, आपके सेम साइड में हो जाए, एक साइड में हो जाए, तब फिर उसको हम क्या कहेंगे, जूसा में। मतलब ये इट इज सिमिलर टू लाइक सिस है। तो आई थिंक इजेड समझ में आ गया होगा आपको। बोलो। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो कि सी डबल बॉन्ड सी और इसकी प्रायोरिटी वन है, ये टू है, वन और टू। तो यहां पर वन बन गया आपके सेम साइड में, तो ये कौन सा हो जाएगा, जेड सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर वन है और ये टू है, ये इधर टू है और ये वन है। तो वन वन कैसा आपका अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई कहेंगे। तो हाँ, दैट इज जूसा में ये ई कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ई नोमेनक्लेचर होगा। तो बेसिकली हमें लग रहा है ये आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो बेसिकली यहां पर टफ क्या होता है कि आप कैसे पता चलेगा कि वन कौन सा होगा, टू कौन सा होगा, टू कौन सा होगा, वन कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, एक सीआईपी रूल यूज करते हैं। तो लिखना, लिख लिया उसको, ये पार्ट लिख लिया। तो सीआईपी रूल बेसिकली ये साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज चान इनगोल्ड एंड प्रीलोग। इसी को हम कहते हैं सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल का एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर में भी है। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में सेम सीआईपी रूल का ही यूज करते हैं। तो अब ये रूल क्या होता है, कैसे हम प्रायोरिटी देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी कम होगी, वो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट रूल देखो हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज एटम्स
हैविंग हाइयर एटॉमिक नंबर विल गेट मोर प्रायोरिटी। फर्स्ट रूल क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी हम प्रायोरिटी इधर क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। जैसे देखो यहां पर C डबल बॉन्ड C, यहां पर H है और यहां पर Cl है। सिमिलरली यहां पर हम लोग देखने वाले कि ये आपका मान लो कि ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका, क्लोरीन का, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रायोरिटी। अब इस साइड में देखो आयोडीन और ब्रोमीन में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये वन हो जाएगा और ये क्या होगा, टू हो जाएगा। नाउ वन वन क्या आपका सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। तो इसी चीज के बारे में बात करें कि कार्बन का जो है आपको देखना एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दे। क्या ये फर्स्ट रूल क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको बताना है कि वन टू क्या होगा, सिर्फ एक हाफ पार्ट के हम लोग करेंगे डिस्कशन। यहां तक लिख लियो, सी एच थ्री एन एच टू ओ एच एन एच टू हाइड्रोजन ड्यूटेरियम साइनाइड है और NO2 है। Cl हाइड्रोजन या CH3 हाइड्रोजन OH है इधर और इधर मान लो कि फ्लोरीन है, CH2, CH3 और यहां पर सिर्फ OH। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सिंपल सा चीज है। तो आपको बस बताना है कि वन टू क्या होना है, सिक्स टांस आपको यहां पर नहीं करना है। बेसिकली हम लोग अगर सीआईपी रूल अच्छे से सीख ले तो फिर ये सारी चीजें आसान हो जाएगा। सीआईपी रूल सीखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखें तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा, तो ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। यस सर। इस साइड में बढ़ेंगे तो ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका, ऑक्सीजन, तो ये वन हो जाएगा और ये आपका टू हो जाएगा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। हम आएंगे सेकेंड रूल पर, उस पर भी आएंगे। अब यहां से कार्बन से स्टार्ट के पहला कार्बन है और ये क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। आई थिंक हमें लगा ये समझ में आ रहा होगा, लिख रही है? Yes, sir. अब इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वन, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन, ये वन ये टू। नाइट्रोजन कार्बन, ये वन ये टू। तो आई थिंक हमें लग रहा फर्स्ट रूल सभी बच्चों का क्लियर होगा, एकदम आसान सा रूल है। फर्स्ट रूल क्लियर? यस। लिख लियो सेकेंड रूल पाए। सेकेंड रूल की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि एटॉमिक नंबर सेम है तो जिसका मास ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे। इसीलिए किसी किसी लोकल बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया गया है कि स्पीसीज हैविंग हायर एटॉमिक मास विल गेट हायर प्रायोरिटी। तो ये जो रूल है कहीं कहीं पर सही हो जाएगा,
है ना ऑलमोस्ट में, लेकिन ये एक्चुअल रूल नहीं है. एक्चुअल रूल है यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब फिर हम लोग आएंगे एटॉमिक मास पर. तो सेकेंड रूल लिखना, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तब तो हम लोग कह सकते हैं एटम्स हैविंग मोर एटॉमिक मास विल गेट मोर प्रायोरिटी. जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे पहले हम लोग एक यूज किए थे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका मास ज्यादा, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी ये टू हो जाएगी. सिमिलरली एक कार्बन है नॉर्मल वाला और एक कार्बन जो है वो 14 वाला है, तो कार्बन आइटम सेम है, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये वन हो जाएगा और ये आपका ये टू हो जाएगा. सिमिलरली कार्बन ये OH है और ये मान लो कि ये भी OH है लेकिन ये 18 वाला है, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये प्रायोरिटी क्या होगी सेकेंड. तो आई थिंक ये रूल भी आसान ही है और समझ सकते हो उसको. क्या ये रूल लिख लिए, ये रूल लिख लिए ना? Yes, थर्ड रूल पर आए, थर्ड रूल पर. थर्ड को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस रूल. तो सीक्वेंस रूल का देखो क्या मतलब होता है कि अगर पहले एटम से हम प्रायोरिटी डिफाइन ना कर पाए तो हम लोग नेक्स्ट एटम को देखेंगे एंड सो ऑन हम लोग चलता चलेंगे उसमें. तो देखो यहां पर होता है क्या कि मान लो कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि ये CH3 है और ये क्या आपका CH2 CH3, तो आपको करना क्या है, इधर वाला पार्ट जो है यहां तक तो कॉमन लिख दो, ये कार्बन और ये कार्बन आपका कॉमन है इस तरीके से. लेकिन ये जो कार्बन है थोड़ा सा गौर से देखना इसको, ये जो कार्बन है नाउ इट इज फर्दर कनेक्टेड विद 3 डिफरेंट हाइड्रोजन, ये जो है वो 3 डिफरेंट हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन CH3. अब इसके बारे में बात करते हैं कि CH2 CH3, तो ये जो कार्बन है वो फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड और दो हाइड्रोजन से कनेक्टेड, तो ये क्या हो गया CH3H और ये H. इसी को हम सीक्वेंस रूल कहते हैं कि अगर पहले से डिफाइन ना हो पाए प्रायोरिटी तो हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट सिप पर भी ना हो तो उसके नेक्स्ट में जाएंगे और ये चलते जाएंगे जब तक कि कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी डिफाइन ना हो जाए कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम होगा. और ऐसा कोई केस नहीं आने वाला है कि सभी सेम आ जाए, सेम आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होने वाला है. तो अब देखो यहां तक तो सेम था लेकिन यहां हाइड्रोजन है और यहां क्या आपका कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी टू हो जाएगी. जो ऊपर वाले लोग बात किए थे दोनों बेसिक रूल सेम एप्लीकेबल होगा. तो ये पार्ट क्लियर हुआ? मानो कि ऐसा है CH2 CH3 और CH2 NH2, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे? तो आपको स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करना है तो आपको इसी तरीके से ट्री फॉर्म में आपको करना पड़ेगा डिवाइड. तो अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा है कार्बन कार्बन और ये कार्बन. नाउ दिस कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड विद मिथाइल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और ये नीचे वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यहां तक तो सेम था लेकिन ये कार्बन से कनेक्टेड है ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो ये वन नंबर होगा. क्या ये समझ में आया?
CH2I है और ये CHCl2 है, CH2I है एंड CHCl2 है। तो फिर इसको फर्दर आपको सेम चीज उसी तरीके से करना है। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद आयोडीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये किससे कनेक्टेड है? पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन। तो आपको कहीं भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख जाए वहीं से प्रायोरिटी डिफाइन करना, आपको फर्दर फिर नहीं जाना है। तो यहां तक तो कार्बन कार्बन ये दोनों बराबर थे, लेकिन ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। आपको बाद में नहीं देखना है कि यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन है। कहीं भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख जाए आप सीधे प्रायोरिटी वहां पर दे दो। ये वाला क्लियर हुआ? CCl3 एंड CH2Br किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? CCl3 एंड CH2Br किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो C, तीन Cl इस तरीके से इसमें कनेक्टेड है और ये जो है एक Br है और दो हाइड्रोजन है। बताओ किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, किसको ऊपर वाले को दे या नीचे वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दे? किसको प्रायोरिटी ज्यादा दे बोलो? ऑब्वियसली नीचे वाले को देंगे ज्यादा। क्यों? तो यहां पर Cl है और यहां पे ब्रोमीन है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में यही क्या हो गया, विनर हो गया, ये जीत गया। तो इसका रैंक वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रैंक टू। हमें लग रहा है ये सीक्वेंस रूल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट मींस यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इच पाई बॉन्ड्स विल बी considered as individual atom। मतलब pi bond को भी किसकी तरह consider करना है, individual atom की तरह। इसका क्या मतलब हुआ, या कह सकते हो जितने भी bonds है, तो देखो यहां पर C double bond C, C triple bond C है H, और ये मानो कि C double bond CH2 है और यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये पार्ट तो यहां तक कॉमन है, ये तक तो कॉमन है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी बॉन्ड्स है ना उसको एटम की तरह कंसीडर करना है। कैसे? तो देखो इस कार्बन का फर्दर बॉन्ड किसके साथ बना हुआ, कार्बन के साथ में। दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना, वो भी कार्बन। तीसरा बॉन्ड किसके साथ बना, वो भी कार्बन। मतलब हर एक बॉन्ड को एक एटम की तरह कंसीडर करना है। तो ये पार्ट हो गया। अब इस पर आ जाओ, ये पहला बॉन्ड किसके साथ बनाया है, कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। इट मींस ईच पाई बॉन्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ इंडिविजुअल एटम। तो यहां पर पहला दूसरा तो कॉमन है, लेकिन ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये है ना। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। सी है, ये साइनाइड है और ये एनओ टू है, एक साइनाइड है, एनओ टू है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी? बहुत आसान है, इस जो अभी रूल बताया उससे कोई रिलेशन ही नहीं, दैट इज ये पहला रूल है, ये हो जाएगा ना NO2, NO2 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी सी चीजें समझाते हैं, उसको देखना। एक एल्डिहाइड है और एक साइनाइड है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? तो यहां पर हम लोग देखो क्या करते हैं,
ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये साइनाइड है। तो इसको अगर फर्दर तुम डिवाइड करोगे तो ये कार्बन हो गया और ये भी कार्बन। अब ये देखो, कार्बन ने पहला बॉन्ड किसके साथ बनाया? ऑक्सीजन के साथ। दूसरा बॉन्ड वो भी ऑक्सीजन। तीसरा हाइड्रोजन के साथ। और ये कार्बन ने पहला बॉन्ड किसके साथ बनाया? नाइट्रोजन। दूसरा भी नाइट्रोजन, तीसरा भी नाइट्रोजन। तो बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो ये वन और टू हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या किए, जितने भी बॉन्ड्स है उसको एक एटम की तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये सी एच टू ओ एच है और ये एल्डिहाइड है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा? तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। ये कार्बन पहला बॉन्ड किससे बनाया? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये पहला बॉन्ड किसके साथ बनाया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। पहला बॉन्ड का मतलब है ना कि हम लोग कुछ इस तरीके से कोशिश करेंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना उसको हम पहला मान के चले। तो देखो यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन था, लेकिन सेकेंड ये हाइड्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताइए किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? एक एल्डिहाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अभी सीखना है इसलिए एक एक चीज बनाना होगा ना। तो कार्बन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ने दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया और एक हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन है वो दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में बनाया, और ये ऑक्सीजन है और फिर ये फादर किसके साथ बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन के साथ, तो ये फिर एच होगा इस तरीके से, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी टू होगा। क्लियर? समझ में आया? एक एस्टर है और एक अमाइड है। यहां पर कोई प्रायोरिटी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग याद नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एटम देखना है, बेसिक रूल्स देखना है। तो यहां पर देख लो कि ये पार्ट तो कॉमन है, इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो कॉमन है, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर नाइट्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी टू हो जाएगी। तो ये बॉन्ड वाला रूल समझ में आया? बोलो। नेक्स्ट ये फाइव रूल लिखना, रियल स्ट्रक्चर्स विल गेट मोर प्रायोरिटी ओवर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ये जो पाई बॉन्ड को एक एक एटम कंसीडर जो कर रहे थे ना, वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि रियल स्ट्रक्चर्स, रियल स्ट्रक्चर का जो प्रायोरिटी होगा वो ज्यादा होगा इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन है और ये सी एच थ्री जो है वो होल थ्राइस है, और यहां पर जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये कुछ ऐसा होगा, कार्बन और ये कार्बन। नाउ ये कार्बन फर्दर किससे कनेक्टेड है? ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से और ये भी कार्बन से। और ये किससे कनेक्टेड है? कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से। तो यहां तक तो अब तो सेम है ना, लेकिन सेम नहीं है क्योंकि ये सी एच थ्री है, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो सी एच थ्री लिख सकते हैं। तो अब ये बताओ कि ये तो रियल स्ट्रक्चर हो गया ना, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी टू हो जाएगा।
मीन्स रियल स्ट्रक्चर विल गेट मोर प्रायोरिटी ओवर इमेजिनरी स्ट्रक्चर. क्लियर है? कुछ डाउट है आदित्य? आदित्य कुछ डाउट है? तो इसके इसके बताओ. साइनाइड है और NH2 है. तो कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड C, ये भी पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, बट दिस इज इमेजिनरी. ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये रियल है. तो ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा. तो आई थिंक जितने भी CIP रूल्स हैं यहां पर आपका खत्म होता है. तो CIP रूल चीजें समझ में आ गया होगा आपको. फर्स्ट रूल, जिनकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. सेकेंड रूल, एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो जिनका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी. थर्ड रूल, सिक्वेंस रूल, पहले से डिसाइड ना हो तो सेकेंड पे जाएंगे, सेकेंड से ना हो तो थर्ड पे जाएंगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा. फोर्थ रूल, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स है, उसको एज ए एटम कंसिडर करेंगे. एंड द फिफ्थ लास्ट रूल, रियल स्ट्रक्चर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स से. यही आपका CIP रूल है. क्या CIP रूल क्लियर है सभी बच्चों का? कुछ क्वेश्चंस दें? अब आपको बताना है कि EZ नोमेनक्लेचर बताना है बाय यूजिंग CIP रूल. सी डबल बॉन्ड सी, CHO, CH2OH, CH3H. इसकी ये बताना है इजेड क्या होगा. हाँ हाँ आइसोसाइनाइड है. तो पहला भी स्टार्ट करते हैं. ये तो क्लियरली दिख रहा है, इसकी प्रायोरिटी वन होगा, इसकी प्रायोरिटी टू होगा, और इधर इसका प्रायोरिटी वन होगा, इसका प्रायोरिटी टू होगा. तो वन वन सेम साइड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? जेड कहेंगे. अब उधर आ जाओ, इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सेम है, और ये क्या हो जाएगा? टू. इधर NH2 है, इधर NC है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा बताओ? इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, है ना, NC का. तो वन वन अपोजिट में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा. इधर आ जाओ, ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है. चलो देखते हैं, इन इन इस साइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इसका, इसका ये होगा वन, ये टू, दो ऑक्सीजन है ना, इसमें दो ऑक्सीजन वाले हैं, टू ऑक्सीजन, इन दोनों में ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा. रीजन बता सकते हो? रीजन, रीजन दोनों वन वन सेम साइड में आ गया तो जेड हो गया. रीजन बता सकते हो? तो ऐसे देखो, यहां पे क्या करना है, अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये जो कार्बन है, ये एटॉमिक मास एटम का देखना है, पूरे ग्रुप का नहीं देखना है. ये जो है ऐसा बॉन्ड है, ये भी फर्दर है और ये भी फर्दर है, मतलब इसमें थोड़ा सा कार्बन ज्यादा है, इसमें यहीं तक बंद हो जा रहा है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, बोलो. सी डबल बॉन्ड सी,
बताओ इस स्ट्रक्चर। चलो देखो यहाँ पर क्या इसकी प्रायोरिटी वन होगा, इसका टू, यस सर, और इस साइड में इसका वन होगा, इसका टू, तो वन वन अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई होगा। सी डबल बॉन्ड सी राइट वाले का वन, तो क्या बोले ये वन इसलिए हुआ क्योंकि यहीं से इसके डबल बॉन्ड है और इसका डबल बॉन्ड यहां से नहीं है, आगे वाले पोजीशन से, समझ में। ये जो कार्बन है ना, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ, लेकिन ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन से जुड़ा, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। चलो इसमें बताना था, इजेड बेसिकली, इजेड सब कुछ पड़ जाता है, सीआईपी रूल पे बेस्ड है, सीआईपी रूल क्लियर है, सब क्लियर है। तो इधर वाले पार्ट में दिख रहा होगा ना कि ये वन हो जाएगा और ये टू, क्या ये वन होगा और ये टू, और इधर वाले पार्ट में देखो यहां तक बढ़े तो क्या आपका कार्बन, यहां बढ़े कार्बन है, ये भी इधर बढ़ा तो कार्बन है, इधर भी बढ़ा तो कार्बन है, ये इधर बढ़ा कार्बन, इधर बढ़ा ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगा और इसका प्रायोरिटी टू हो जाएगा। कुछ समझ में आया? जैसे यहां से देखो बढ़ेंगे, ये दोनों पॉइंट सेम था आपका, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, तो इधर से बढ़े कार्बन, इधर से भी बढ़े कार्बन, ये इधर बढ़ा तो ऑक्सीजन मिल गया, तो ये सिर्फ प्रायोरिटी फर्स्ट हो गया। और वन वन सेम साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जेड हो जाएगा। सीएल है तो बाद में है ना, सीएल जो है वो बाद में है, हम तो देखेंगे पहले हमें कौन मिल रहा है ना, okay, तो पहले ये मिल जा रहा है, सीएल बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता। इजर क्लियर हुआ सर? अगर वो फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन सर उधर है, वो भी अगर इन केस ब्रांचिंग में होता सर, तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करते प्रायोरिटी? फिर क्लोरीन हो जाता, तो तब क्लोरीन का हो जाता, इसी बात कर रहे हो? तो फिर तब क्लोरीन हो जाएगा। तो आई थिंक हमें लग रहा है इजेड आपको समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चंस और देंगे हम असाइनमेंट में, तो एक बार उसको सॉल्व करना क्या।